वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इपीसाइक्लॉइड। तो देखिए इपीसाइक्लॉइड आपके सामने है, ये इपीसाइक्लॉइड कैसे ड्रॉ करना अगर आपको वो नहीं पता तो इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए वो वीडियो देखिए और ये इपीसाइक्लॉइड कैसे ड्रॉ होता है वो वहां से आप स्टडी करिए और वो इपीसाइक्लॉइड आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखिए ना, तो ये ऐसा ही बनेगा। एपिसाइक्लॉइड में आप देख सकते हैं यहां से लेके ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, यही है एपिसाइक्लॉइड। और ये ड्रॉ करने के लिए आपको क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको डायरेक्टिंग सर्कल की जरूरत पड़ती है। देखो यहां पे आप देख सकते हैं ये है डायरेक्टिंग सर्कल नीचे का जिसका रेडियस दिया है 75 mm। आपको रोलिंग सर्कल की जरूरत पड़ती है, देखो ये है रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल का रेडियस जो है वो यहां पे फिलहाल हमने जब ड्रॉ किए थे तो इसका रेडियस था 25 mm, ठीक है। और ये रोलिंग सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल का यूज करके ही ये पूरा एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ किया जाता है। तो ये एपिसाइक्लॉइड हमने बना लिए, अब ये एपिसाइक्लॉइड पे हमें अगर टेंजेंट और नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना वो समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं, उनको जब कभी भी एग्जाम में एपिसाइक्लॉइड के सॉल्यूशंस वो ड्रॉ करते हैं और अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एपिसाइक्लॉइड बनाते हैं। एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ होने के बाद जब टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं गलती करते हैं और फिर उनके एपिसाइक्लॉइड के तो मार्क्स उनको मिलते हैं लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल के जो मार्क्स है वो उनको नहीं मिलते। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको टेंजेंट और नॉर्मल की भी प्रैक्टिस जरूर करके देखना चाहिए। तो चलो यहां देखते हैं कि ये एपिसाइक्लॉइड पे अगर हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करें। चलो यहां पे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले एपिसाइक्लॉइड पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है, सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द एपिसाइक्लॉइड, एनी पॉइंट मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट लो अपने मन से और वहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 75 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल या 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल या 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल, ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है लेकिन ज्यादातर टाइम एट एनी पॉइंट ही लिखा होता है। तो आप ये एग्जाम में जरूर से चेक करना कि एट एनी पॉइंट बोला है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बोला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ड्रॉ करना। अभी यहां पर हम कहीं पे भी एक एपिसाइक्लॉइड पे पॉइंट ले लेते हैं और वहां पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करके बताते हैं। तो चलो हम यहां कहीं पे भी अगर पॉइंट लेने की अगर बात आए तो चलो हम यहां पे ये एपिसाइक्लॉइड है, देखो यहां से लेके यहां तक देखो P1 P2 P3 P4 अप टू P9 P10 P11 P12 ऐसा ये कर्व है। तो हम चलो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, देखो यहां पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये देखिए ये पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये पॉइंट को पॉइंट M, ठीक है, हमने ये पॉइंट को पॉइंट M कहा, नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब इसके लिए आपको स्केल और कॉम्पास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहां पे स्केल और कॉम्पास ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे, तो देखो हमने यहां पे कॉम्पास ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, कॉम्पास में रेडियस का लेंथ ले लो, लेकिन किसका रेडियस, रोलिंग सर्कल का या डायरेक्टिंग सर्कल का, तो आपको रोलिंग सर्कल का रेडियस कॉम्पास में ले लेना है। देखो ये रोलिंग सर्कल है, ये रोलिंग सर्कल का जो भी रेडियस है वो आपको कॉम्पास में ले लेना है। देखो ये कॉम्पास का सेंटर हमने यहां रखे रोलिंग सर्कल के सेंटर पे और ये देखिए रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है वो हमने कॉम्पास में ले लिए, देखो ये रोलिंग सर्कल का रेडियस हमने कॉम्पास में ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब अभी ये जो हमने रोलिंग सर्कल ड्रॉ किया है ये 25 mm रेडियस से ड्रॉ किया है, तो हमने इनडायरेक्टली कॉम्पास में 25 mm का लेंथ यानी 2.5 cm का लेंथ हमने कॉम्पास में ले लिया है। अब क्या करेंगे, कॉम्पास का सेंटर M पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। कॉम्पास का सेंटर M पॉइंट पर रख के ये देखिए ये रोलिंग सर्कल का जो सेंटर है, देखो रोलिंग सर्कल का जो सेंटर है और ये जो सेंटर का आर्क है, देखो ये जो सेंटर का आर्क है ये आर्क के ऊपर आपको कट करना है, ठीक है। ये देखो कॉम्पास का सेंटर हमने M पे रखे, ठीक है, और ये हम यहां पे कट करेंगे, कहां पे कट करना है हमें, रोलिंग सर्कल के सेंटर के आर्क के ऊपर कट करना है, तो ये हम यहां पे ऐसे कट कर देंगे, ये देखो ये हमने कट कर दिए, ये देखिए हमने कहां पे कट करे, ये हमने यहां पे कट करे, ओके, यहां पे पॉइंट M से लेके इतना ये जो हमने यहां कट करे ये कॉम्पास में रेडियस 25 mm लेंथ लिए,
कंपास का सेंटर एम पे रखे और ये सेंटर के आर्क के ऊपर यहां पे कट करे। अब क्या करो, स्केल ले लो और ये पॉइंट और ये डायरेक्टिंग सर्कल का जो सेंटर है इसको ज्वाइन करो। ये डायरेक्टिंग सर्कल है, डायरेक्टिंग सर्कल का ये सेंटर है, तो क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को आप सेट करेंगे और डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से हमने ये जो हमने मार्क किए थे वहां से ज्वाइन कर दिए। अब इसको आप M से भी ज्वाइन कर दो, M, ये जो आपने मार्क किए हैं उसको आप M से भी ज्वाइन कर दो। वहां पे आप चाहे तो नेमिंग दे दो, कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M हो गया तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, S ले लेंगे, कोई भी पॉइंट दे दो। M N, N नहीं देंगे हम क्योंकि नॉर्मल को M N ऐसा कहने वाले हैं, इसलिए हमने यहां पे S कहा, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, ये S और ये M को हम ज्वाइन कर देंगे, ये देखो कर लिए, ओके। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने ये जो सेंटर है, एक काम करते हैं, इसको O कहेंगे। अब ये जो हमने O से S जो हमने ज्वाइन किए हैं, ध्यान दो, अब ये O से S डायरेक्टिंग सर्कल सर्कल पे जहां पे कटा है वो पॉइंट आप मार्क करो। ये OS डायरेक्टिंग सर्कल पे कहां कटा है, देखो ये डायरेक्टिंग सर्कल है, ये यहां पे कट गया, देखो यहां पे कट गया है ना, तो इसको कहेंगे पॉइंट N, ठीक है। अब क्या करो, M और N को ज्वाइन कर लो। M और N को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नॉर्मल। तो ये देखिए हम M और N को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये देखिए फाइनली हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। देखो M N को हमने ज्वाइन कर लिया है, सो M N इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ साथ हमें टेंजेंट भी ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अब हम प्रोटेक्टर लेंगे। तो चलो प्रोटेक्टर हम यहां पे टूल का यूज करेंगे, तो ये देखो हमने प्रोटेक्टर ले लिया। अब प्रोटेक्टर कैसे सेट करना वो समझ लो। प्रोटेक्टर का सेटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको प्रोटेक्टर सही से प्रॉपरली सेट करना है। तो प्रोटेक्टर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री नॉर्मल पे सेट करना है। देखो प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री कहां पे सेट करना है, नॉर्मल पे। तो देखो ये प्रोटेक्टर हमने ऐसा रखे और यहां पे नॉर्मल पे प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री सेट करो। तो ये देखिए ये जीरो डिग्री जो है वो नॉर्मल पे आ गया, ओके, और प्रोटेक्टर का सेंटर एम पे आ गया, ठीक है। प्रोटेक्टर का सेंटर एम पे और जीरो डिग्री नॉर्मल पे, और अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल हमने ये ले लिए, ओके। और अब आपको स्केल लेना है और स्केल से आप ये जो पॉइंट है इसको एम से पास होते हुए ज्वाइन कर दो, तो वही हो जाएगा हमारा टेंजेंट। तो चलो यहां पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हम बना रहे हैं यहां पे टेंजेंट, फाइनली ये देखिए ये टेंजेंट बन के तैयार है, इसको हम एरो हेड दे देंगे। तो ये देखिए फाइनली टेंजेंट और नॉर्मल हमने यहां कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं टेंजेंट में हमने एरो हेड लगा दिए हैं यहां पे और यहां पे। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि आपको टेंजेंट के ऊपर एरो हेड लगाना है, तो आपको भी इसी तरह से एरो हेड लगाना चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि सिंपल प्लेन लाइन ड्रॉ करो विदाउट एनी एरो हेड, तो आपको एग्जाम में उसी तरह से ड्रॉ करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और टेंजेंट के ऊपर आप टेंजेंट जरूर लिखना और नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल जरूर लिखना। टेंजेंट और नॉर्मल आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। और इस तरह से फाइनली ये पूरा जो आज की वीडियो में हमने आपको बताना था कि हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इपीसाइक्लॉइड, तो ये हमने आपको पूरी तरह से बता दिए हैं। अब ये आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करो। सबसे पहले एक इपीसाइक्लॉइड ड्रॉ करना, ये इपीसाइक्लॉइड कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाए थे उसका लिंक हमने आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देखिए। और इपीसाइक्लॉइड ये एज इट इज आपका अपने ड्रॉइंग बुक में बन जाएगा। एक बार ड्रॉइंग बुक में एपीसाइक्लॉइड बन गया तो उसके बाद आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करिए ऐसा ही जैसा हमने यहां आपको बताया है। कैसे, देखो हम आपको फिर से एक क्विकली रिवाइज करा के देते हैं कि हमने एपीसाइक्लॉइड पे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे बनाया। सबसे पहले आपको कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है, तो यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिए। उसके बाद आपको कंपास में रेडियस का लेंथ लेना है, जो रोलिंग सर्कल है उसका रेडियस का लेंथ लेके कंपास का सेंटर एम पे रख के ये जो रोलिंग सर्कल का सेंटर का जो आर्क है उसके ऊपर कट करना है, ठीक है। उसको हमने S नाम दिए, S और M को ज्वाइन कर दिए और ये S को डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिए। अब आपको चेक करना है कि डायरेक्टिंग सर्कल को ये ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है ये डायरेक्टिंग सर्कल पे कहां पे क्रॉस कर रही है, तो यहां पे क्रॉस कर लिए, उसको हमने नाम दे दिए N। MN को ज्वाइन करना है, MN इज द नॉर्मल और वो MN पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, तो वो हो जाएगा टेंजेंट। और इस तरह से आपका टेंजेंट और नॉर्मल बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अब आपको इसके पहले के इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरे वीडियोस इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिल जाएंगे। वहां पे सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप देखिए, अच्छे से सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन करिए और जो भी ड्राइंग है वो आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।